सो हेलो गजर, कैसे हो? वेलकम बैक फॉर अदर न्यू वीडियो। भाई सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ भी गजर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मस्त वाले खतरनाक वाले अपडेट्स के बारे में, जो भाई हमारे आने वाले नेक्स्ट अपडेट को लेकर आ रहा है। देखो आज के वीडियो में आप लोग को काफी सारे अपडेट्स बताने वाला हूँ जो हमारे आने वाले इस वाले ओवी अपडेट के अंदर हमारे नेक्स्ट मंथ के अपकमिंग कुछ इवेंट्स रहने वाला है। इवो वॉलेट इवेंट्स आने वाला है, इसके साथ साथ हमारे गेम का हमारा जो अप्रैल फुल का बंडल है जिससे रिलेटेड इवेंट कब आने वाला है जिसका भी डेट बताने वाला हूँ। साथ ही गजर में बात करने वाले पैराडॉक्स इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला जिसके बारे में, बट इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 7th एनिवर्सरी के थीम के कुछ रिवार्ड्स के बारे में। साथ ही नेक्स्ट आने वाले ओबी अपडेट के अंदर आप लोगों को एक न्यू पेट देखने मिलने वाला है। काफी टाइम से पेट भी गेम के अंदर नहीं आया था। 7th एनिवर्सरी के थीम पे हमारे गेम का न्यू इवो बंडल आने वाला है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट आर्ट को यहाँ पे डिजाइन किया है नेक्स्ट हमारे ओबी अपडेट के लिए ग्राफिक पार्ट, जिसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। ढेर सारे अपडेट्स है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जल्द से गज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं आ रहा हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे सेट कर रख लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके बारे में सबसे पहले आप लोग को मैं अपडेट दे देता हूँ। सबसे जो फर्स्ट है हमारा बैनर निकल कर आ रहा है न्यू वीआर रैंक को लेकर, जो हमारे गेम अंदर कल से सीजन स्टार्ट होने वाला। तो भाई इस बार अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पे जाने वाला हो तो ग्रैंड मास्टर का लोगो भी आप लोग को थोड़ा चेंज देखने मिलने वाला है, तो ज्यादा शौक मत होना। प्लाज्मा एक्स स्किन को बताया गया है जो आप लोग को सिर्फ एयर ड्रॉप के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा ये गन स्किन का जो है रेट ऑफ आप लोग को देखने मिलने वाला है अगर आप लोग इसे ज्यादा यूज करने वाला है। और इन सारे डिटेल्स को आपका आप लोग को बैनर ऐड होने से पहले एक दिन पहले ही कल के वीडियो में बता चुका है। नेक्स्ट जो हमारा बैनर ऐड हुआ है नेक्स्ट आने वाले बुआ पास को लेकर है, जो हमारा मई मंथ का रहने वाला। ये दो न्यू बैनर हमारे गेम के अंदर ऐड किए गए हैं। यहाँ पे बात करने वाले हमारे इवो वॉलेट इवेंट के बारे में। देखो यार इवो वॉलेट इवेंट जो आने वाला है हमारे गेम के अंदर जिससे रिलेटेड बैनर अब तक ग्राफी पार्ट ने गेम के फाइल में ऐड नहीं किया है। इसके साथ एक और भी इवेंट है जो बताया जा रहा था 1 मई से गेम के अंदर आने वाला है, वो एक्सेस का इवेंट, जिसका भी बैनर गेम के अंदर अभी भी फिलहाल के लिए कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। देखो अगर इवनिंग तक ऐड होता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, बट हाँ हमारे गेम का जो नेक्स्ट आने वाला इवो वॉलेट जिसमें M10 कंफर्म है, बाकी के जो एक और भी स्किन आने वाला जिसके बारे में फिलहाल के लिए अपडेट नहीं है। जो स्लाइड प्लेट है साथ ही गजरी जो बैकग्राउंड है काफी पहले हमारे गेम के फाइल में ऐड हो चुका था, तो भाई इतना कंफर्म है M10 हमारे गेम के नेक्स्ट इवो वॉलेट के अंदर आने वाला है। जोंबी के थीम पे काफी सारे रिवार्ड्स को डाला जा रहा है, यहाँ पे गन स्किन को डाले जा रहे, तो साथ से आप लोग को AK-47 या फिर AN-94 की स्किन भी आप लोग को देखने मिल सकता है। तो देखो दो स्किन प्रेडिक्ट करके मैं और भी एक्स्ट्रा मैं आप लोग को बताया हूँ, अगर कुछ बैनर्स ऐड होते हैं तो इवनिंग के वीडियो तक आप लोग को अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलो भाई लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ आने वाले खतरनाक से इंटरेस्टिंग से अपडेट्स के बारे में, जो हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट आने वाले ओवी अपडेट के अंदर आप लोग को देखने मिलने वाला है। देखो गेम का तो जल्द ही आप लोग को एक न्यू सर्वे जल्दी से ग्राफी पढ़ा कर देने वाला है। 7th एनिवर्सरी का जो इवेंट है भाई यहाँ पे देख सकते हो गैलेक्सी के थीम पे डिजाइन किया जा रहा है, और इसके ही थीम पे देख सकते हो काफी सारे गन स्किन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट को डिजाइन किया गया है। इसमें से देख सकते हो M24 के स्किन रहने वाले हैं, साथ ही अगर आप लोग को AWM का भी स्किन देखने मिलने वाला है, काफी सारे अलग अलग स्किन रहने वाले हैं, M10 के भी स्किन रहने वाले हैं। तो देखो ये जितने सारे कॉन्सेप्ट आर्ट देख रहे हो इससे रिलेटेड आप लोग को जल्द ही गेम का एक सर्वे भी देखने मिलने वाला है। आप सभी से गेम फ्री फायर पूछने वाले हैं कि भाई इसमें से कौन सा स्किन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, उससे ही रिलेटेड आप लोग को नेक्स्ट हमारे आने वाले एनिवर्सरी इवेंट के अंदर स्किन लाकर गेम फ्री फायर देने वाला है। यहाँ पे ये अपडेट तो भाई नॉर्मल अपडेट्स हो गए हैं जो आप लोग को हर बार आने वाले अपडेट्स के साथ हमारे गेम के अंदर ग्राफिक पर ला कर देता, बट यहाँ पे बात करते कुछ चेंजेस के बारे में जो बताया जा रहा है नेक्स्ट ओबी अपडेट से आप लोग को देखने मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको पता है दो ओबी अपडेट से ग्राफिक पर हमारे गेम के कोई भी न्यू पेट को आप लोग को ला कर दे नहीं रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है गेम के अंदर काफी सारे पेट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड भाई इसलिए अगर ग्राफिक पर बार बार पेट को गेम के अंदर लाता है तो भाई लोग उतना भी इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। इस वजह से ग्राफिक पर पेट पे कुछ अलग यहाँ पे वर्क कर रहा है, और यहाँ पे आपसे आने वाले नेक्स्ट एनिवर्सरी इवेंट से रिलेटेड जो एक न्यू पेट देखने मिलने वाला जिसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटी रहने वाली है। अगर आप लोग पेट को परचेस करने वाला हो तो भाई पेट तो अब तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन यार पेट के साथ आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी मिलने वाली है जो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे इस तरह के कुछ एनिमेशन भी आप लोग को इस पेट के साथ देखने मिलने वाला है, और इसके साथ यहाँ पे बात करने वाला तो काफी सारे और भी स्पेशल इफेक्ट आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अभी जो आप लोग को पेट्स मिलते हैं जिसमें सिर्फ आप लोग को एबिलिटी मिलता है, बट इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन भी आप लोग को आपके कैरेक्टर के साथ भी देखने मिलने वाला इस वाले पेट के अंदर। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाला तो देख सकते हो
जंप इफेक्ट कुछ इस तरह का रहने वाला है। साथ ही गजर और भी काफी सारे एनिमेशन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले ही गेम गजर सर्वे के अंदर ऐड किया गया था, लगभग 4 मंथ हो चुके हैं। साथ ही अगर आप लोग लॉन्गर हाइट से जंप करने वाले हो तो आपको देख सकते हो यहाँ पे विंग्स भी लगने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे ये जो सारे इफेक्ट आप लोग देख रहे हो एक पेट के साथ आप लोग को मिलने वाला है। 7th एनिवर्सरी के टाइम पे ये जो पेट है गेम के अंदर आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी रिगना पेपर ने इसे रिवील नहीं किया ये पेट कौन सा रहने वाला है। अब जब अपडेट आने वाला है या फिर एडवांस सर्वर आने वाला है तो इससे रिलेटेड भी अपडेट्स आप लोग को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ अलग लाने वाला है गिना पेपर। देखो आने वाले नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पे जो है गन के रिलोड इफेक्ट भी चेंज होने वाला है। इस वाले इफेक्ट को आप लोग चेंज भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल जो इफेक्ट आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलता है वैसे भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। रिलोड इफेक्ट के साथ साथ किल फील्ड में भी कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। किसी भी एनिमी को अगर आप लोग यहाँ पे किल करने वाले हो तो पीछे के साइड में देख सकते हो इस तरह का आप लोग को एनिमेशन देखने मिलेगा। ये जो एनिमेशन है एक आने वाला न्यू गन जिसके साथ यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली एक AWM का स्किन रहने वाला है क्योंकि किल फील्ड में AWM स्किन लेकर आ रहा था। तो भाई यहाँ पे ये जो सारे चेंजेस है गेम के अंदर नेक्स्ट आने वाले हमारे OB अपडेट के अंदर देखने मिलने वाला है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में जो है ईवो बंडल को लेकर निकल कर आ रहा है। हमारा जो फर्स्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट है ईवो बंडल को लेकर वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के इफेक्ट के साथ आप लोग को देखने मिलता है। दूसरा जो हमारा ईवो बंडल का यहाँ पे डिजाइन है वो भी देख लो। अब देखो ये जो बंडल है विंटरलैंड का जो फ्रोस्ट फायर का हमारा ईवो बंडल है जिसके जैसा लग रहा है कुछ देखने में। गैलेक्सी के थीम पे रहने वाला यहाँ पे देख सकते हो हमारा न्यू आने वाला है 7th एनिवर्सरी का इवेंट, जिस वजह से गैलेक्सी के थीम पे भी काफी सारे ईवो बंडल के कॉन्सेप्ट आर्ट को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो भाई ये जो बंडल है वो भी ठीक ठाक लग रहा है देखने में। सारे कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे 7th एनिवर्सरी इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं जो आप लोग को नेक्स्ट आने वाले पैच अपडेट के साथ आप लोग को देखने मिल जाएगा। तो आप लोग को इन सारे बंडल्स में से कौन सा बंडल अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड ये सारे अपडेट्स आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर देखने मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कुछ आने वाले इवेंट्स के बारे में क्योंकि पैच अपडेट आने वाला है जिससे रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बात करते हैं गाजर हमारे गेम के आने वाले अप्रैल फुल बंडल को लेकर जो इवेंट है जिसके बारे में, तो आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे हो हमारे गेम के आने वाले अप्रैल फुल बंडल को लेकर। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ अप्रैल फुल बंडल रिलेटेड हमारे गेम के ऑलरेडी जो है यहाँ पे बैनर एड हो चुका है। बैनर नहीं PNG से बोल सकते हो। यहाँ पे बात करने वाला ये जो हमारा अप्रैल फुल का बंडल है कब आप लोग को देखने मिलने वाला, तो देखो 3 से 4 मई को ये जो है बंडल आप लोग को गेम के अंदर डाला जाएगा। वैसे 1 से 2 मई के बीच ये आ जाता क्योंकि हमारे गेम के अंदर आने वाला है हमारा न्यू वॉलेट इवेंट, जिस वजह से शायद इस वाले बंडल के इवेंट को थोड़ा डिले किया गया है। आप लोग को 3 से 4 मई के बीच ये जो बंडल हमारे इन सर्वे के लिए कंफर्म है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे क्या हमारे गेम के आने वाले हमारा जो बंडल है जिससे हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे, तो देखो अब तक जितने सारे हमारे गेम के अंदर इवेंट देखने मिल रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा मेन रिवार्ड होता है जिसमें आप लोग को एक्सचेंज करने के लिए नहीं दिया जाता, एनवाइट भी पॉसिबल, इसके अंदर भी काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लोग को मेन बंडल को एक्सचेंज करने के लिए नहीं दिया जाए, सिर्फ स्पिन करने के लिए आप लोग को दिया जाए, बाकी के रिवार्ड्स को आप लोग को साथ से एक्सचेंज करने के लिए दिया जाएगा। PNG ऐड हो चुका है तो जल्दी ये बंडल भी हमारे गेम के अंदर आने वाला है। इसका बैनर भी देखो कल तक साथ से गेम के अंदर ऐड कर दिया जाए। साथ ही गजरे पे बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आपको पता ही है जो हमारा इवेंट चल रहा था अपडेट के बाद वो लगभग एंड हो चुका है, कल ही उसका पीक डे साइज से था। आप में से काफी सारे पूछ रहे हैं हमारे गेम के पैराडॉक्स इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला, तो 8 से 9 मई के बीच पैराडॉक्स इवेंट को स्टार्ट किया जाएगा। गेम के अंदर आपको पता ही है ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ स्कॉर्पियो बंडल को भी गेम के अंदर रिटर्न में डाला जा सकता है, जिस वजह से गेम के अंदर गिना पेपर इस वाले इवेंट को थोड़ा सा डिले किया है। इसके साथ आप लोग को हमारा न्यू खतरनाक वाला ईवो बंडल भी देखने मिल जाएगा। वैसे ये जो ईवो बंडल है जिसका डेट ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ 20 से 21 मई के बीच ये ईवो बंडल हमारे गेम के अंदर आने वाला है। आज के वीडियो भाई काफी सारे खतरनाक एंड यूनिक अपडेट रिलेटेड यहाँ पे था। तो भाई वीडियो आप लोग को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर मेरी देखो यहाँ पे एफर्ट होती है कि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा न्यू अपडेट डेली यहाँ पे बाकी की तरह आप लोग को सेम अपडेट स्क्रिप्टेड अपडेट नहीं देता रहता हूँ, तो भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन सभी को पता होगा। अगर आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं आ रहा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे सेट कर रख लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय।